नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GP24। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा राजधानी दिल्ली में। राजधानी में किसकी मनमानी होगी ये तो आज शाम को पता चल जाए। वैसे बांग्लादेश के कप्तान शेंटन जब से इंडिया आए हैं तब से एक के बाद एक बयान देते हैं। वो पाकिस्तान में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करके आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल का, मतलब राजनीति में जो कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल का हरियाणा चुनाव को लेकर है वही कुछ उसी तरीके का कॉन्फिडेंस था शेंटो का इंडिया में आने के बाद। उन्हें लगा था कि पाकिस्तान में जो अगर पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने के बाद वो इंडिया में भी आके कुछ कारनामा कर दिया। टेस्ट में आए तो फिर आप सबने देखा ही क्या हुआ। पहला मुकाबला बुरी तरीके से आ, दूसरा मुकाबला जिसे बचाया जा सकता था, आसानी से ड्रॉ किया जा सकता था, उसे भारत ने आसानी से जीत लिया। 3 दिन से कम समय के टेस्ट में भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली। वही इसके अलावा जब T20 सीरीज शुरू हुई फिर शेंटो ने कहा कि हमारे पास भी एक ऐसा गेंदबाज है जो मयंक यादव जितना तेज फेंकता है। मयंक यादव इतने बड़े गेंदबाज नहीं है, थोड़े अच्छे गेंदबाज हैं, स्पीड से डालते हैं, पर हमारे पास भी इतना तगड़ा गेंदबाज, मतलब उनकी बयानबाजी बंद नहीं हो रही है। उनको लग रहा है कि वो इंडिया को इंडिया में आके आसानी से हरा दे, जबकि ये काम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमें नहीं कर पा रही। इंडिया में आके इंडिया को हरा दे। और फिलहाल तो इंडिया की T20I में एक नई टीम कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट गुरु गंभीर करते नजर आ रहे हैं, जिसमें 4-4, 5-5 ऑलराउंडर खिलाए जा रहे हैं। कौन सा बल्लेबाज कहाँ पे बल्लेबाजी करेगा, कौन कहाँ उपनी करेगा, कुछ कंफर्म नहीं है। इस तरीके की टीम है टीम इंडिया, उसके बावजूद पहला T20I आसानी से रहा। तो अब एक्शन लौट आ रहा है दिल्ली में, तो राजधानी में किसकी मनमानी होगी। वैसे उम्मीद तो यही है कि भारत फिर से मनमानी करेगा, लेकिन फैंस को यही उम्मीद है कि भारत की पहले बल्लेबाजी आती है, क्योंकि जब जब भारत की पहले गेंदबाजी आती है तो भारतीय टीम अच्छा गेंदबाजी करती है, 120-30-40 रनों तक रोक देती है और फिर लोगों को मजा नहीं आता, क्योंकि अब तो रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नहीं है। तो ऐसे में लोगों की उम्मीद अभिषेक शर्मा की वो ताबड़तोड़ शुरुआत से है, मयंक यादव की वो फायरिंग गेंदबाजी से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, मोहम्मद सिराज नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, इसलिए फैंस तो मयंक यादव की गेंदबाजी देखने के लिए जा रहे हैं। और क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो देखते हैं आज दिल्ली में क्या होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जी 24।